दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों बात करेंगे हम डिफेंस सर्विस DSSP रिक्रूटमेंट 2023 MTN फायरमैन कुक LDC स्टेनो के ऊपर वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म जो है निकाले गए हैं, तो आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसमें आपको फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन करना है। दोस्तों ऑफलाइन वैकेंसी है ये, कैसे आपको इसका फॉर्म करने के लिए मिलेगा, क्या प्रोसेस रखा गया है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला है दोस्तों। तो बस वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना जब भी आपको पता चल पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और आपके लिए एजुकेशन से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट लाता रहता हूँ। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना भाई समझ के जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट करिए और सपोर्ट अपना दिखाते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो DSSC में निकाली गई है। रक्षा सेवक स्टाफ में निकाली गई है, डिफेंस सर्विस स्टाफ को लीजिए। तो दोस्तों इसका ये फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, इसी में आपका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। आपको मैं पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। आपका जो स्टार्टिंग हो चुका है वो 31 तारीख से फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त रखी गई है, वो 16 सितंबर। सॉरी, सैलरी की बात करें तो फायरमैन में आपकी इतनी से इतनी सैलरी रहने वाली है, LDC में इतनी रहेगी, ड्राइवर में इतनी रहेगी, MTS में इतनी रहेगी, कुक में इतनी रहेगी, स्टेनोग्राफर में इतनी रहेगी, टेक्निकल अटेंडेंट्स में इतनी रहेगी। 18 साल से 27 साल की उम्र मांगी गई है आपकी इसमें, और जॉब लोकेशन जो आपका होएगा इसमें तमिलनाडु में आपका होएगा, मतलब कि तमिलनाडु में आपका जो है, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है वो तमिलनाडु में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो द सिलेक्शन बो बेसिक और एग्ज़ाम इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम के साथ में फिर इंटरव्यू होगा जब आपको इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी दे रखी है वो आपकी स्टेनोग्राफर की है, लोअर डिवीजन की है, आपकी मोटर ड्राइवर की है, सुकानी की है, फायरमैन की है, कुक की है, टेक्निकल की है, मल्टीटास्किंग की है। सैलरी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे, वो सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल रही है यहाँ पे इस वैकेंसी में। 2 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर आपकी रखी गई है। उम्र भी आप देख सकते हैं कौन सी उम्र कितनी पोस्ट में क्या हिसाब मांगा गया है, उम्र भी आपकी दे रखी है यहाँ पे, 18 से 27 साल है 3 पोस्ट में, ये 25 है, ये 27 है, ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कितनी एज आपकी मांगी गई है, कितनी आपकी होने वाली है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में आपका 10+2 मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है आपसे। और लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर 10+2 आपका 12वीं पास, और यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग मांगी गई है। मोटर ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर आपका 12वीं क्लास मांगा गया है, +2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए। सुकनी की बात करें तो ये 12वीं क्लास आपसे मांगी गई है, सर्टिफिकेट मांगा गया है आपसे। अगर आप यहाँ पर फायरमैन पे आते हो तो फायरमैन में आपको 10वीं क्लास मांगी गई है, और 1.65 हाइट है, और यहाँ पे हाइट जंप है, लॉन्ग जंप है, चेस्ट है, वजन है आपका, सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है, आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुक की बात करें तो कुक में तो 12वीं क्लास मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपकी आपसे मांगा गया है यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका मशीन ऑपरेटर अकॉर्डिंग वो मांगा गया है आपसे। और यहाँ पे अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे आपका MTS मतलब 10वीं क्लास आपके पास, ओनली 10वीं क्लास से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप MTS में अप्लाई कर रहे हो तो। अब नीचे आएगा, नीचे आने बाद थोड़ा जान लेते हैं, और थोड़ा इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं 23 सितंबर रखी गई है।
आपको जो एप्लीकेशन पोस्ट करना है वो इस वाले एड्रेस पे करना है, ये जो ब्लैंक पे ब्लैंक में जो दे रखा है इस वाले आपको एड्रेस पे अपना जो है यहाँ पे जो है इसे भेजना है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एड्रेस, इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है। पांचवे पेज है आपका, 7 पेज की पीडीएफ है। पांचवे पेज पे जब आओगे ना आप तो इसमें आपका फॉर्म मिलेगा, तो फॉर्म में आपको ये भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपको क्या भरना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले अपना फ़ोटो लगाएंगे, उसके बाद पोस्ट नेम लिखें, नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर के साथ में ईमेल आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ टाइम टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा आता है, यहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही भरना है फ़ोटो लगा के। और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहाँ पे आपको जो है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भरना पड़ेगा आपको जो जो यहाँ पे मांगा गया है। नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है आपकी, जाति कौन सी है, 10वीं की डिटेल डालनी है, 12वीं की डिटेल डालनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन से अलावा कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, भरने के बाद जो है आप इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जाति, मूल निवास। दोस्तों आपको ये सारा भरना है यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे जो दे रखा है इन्होंने, मोबाइल नंबर, एड्रेस आपका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, अगर आपका ये परमानेंट और ये वाला एड्रेस सेम है, कम्युनिकेशन है परमानेंट, तो आप यहाँ पे दोनों में एक सा एड्रेस डाल देंगे। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग दे सकते हैं। उसके बाद ना आपको सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद प्लेस डालना है कहाँ से आप जो है यहाँ पे बिलोंग करते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों ये सारा भरने के बाद, अपना आधार कार्ड का भी भरने के बाद, यहाँ पे आपको आधार कार्ड के नंबर के साथ आधार कार्ड का भी फॉर्म अभी भरना है साथ के साथ, और दोस्तों ये अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे 22 रुपये का स्टैम्प लगेगा, 22 रुपये का स्टैम्प लगने के बाद ही आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप 22 रुपये का स्टैम्प लगाइए और अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दिए कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।